गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट वर द ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर। हमने कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है और किस कारण से कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई और क्या वो कारण थे जिसके बाद कंज्यूमर कोड्स को डेवलप करना पड़ा। उसके बाद हमने यह भी पढ़ा कि कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। अगर उनके पास राइट्स हैं तो उनके पास कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। हमने वैसे ही कुछ ड्यूटीज़ पढ़ी, जैसे कि आप कोई भी मटेरियल ख़रीदते वक्त एक्सपायरी डेट चेक करें, और उसके बाद आप कभी भी कोई सामान ख़रीदते हैं तो MRP से ज़्यादा कभी भी उसको पे ना करें। हमेशा सामान लेते वक्त कैश मेमो या रिसिप्ट लें। आप ये भी देखें कि जो आप सामान ख़रीद रहे हैं वो किस क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की है या बुरी क्वालिटी की है, और इन केस अगर आपको सामान डिफेक्टिव मिलता है तो आप उसे एक्सचेंज करवाएं, रिपेयर करवाएं। और ये ट्रेडर की ड्यूटी है कि वो आपको रिफ़ंड करके देगा, और इन केस अगर वो मना करता है तो फिर आपके पास एक सिस्टम होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हो। एंड आफ्टर डैट हमने बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स भी पढ़े। हमने बताया कि किसी भी कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं, हैं कोपरा के अंतर्गत कौन कौन से राइट्स आते हैं। वो राइट हमने पढ़ा, दैट इज़ राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेशल एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू सेफ्टी मीन्स उसके पास ये राइट है कि कोई भी ऐसा गुड्स जो उसकी लाइफ या उसकी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह है, हैजर्डस है, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड रहे, ये उसका राइट है। सेकंड, राइट टू चूज़, ही हैज़ द राइट टू चूज़ द प्रोडक्ट टू बी बॉट। उसके पास ये अधिकार है कि वो जो सामान ख़रीदना चाहता है उसको चूज़ कर सके, उसके पास ऑप्शंस हों तो वो चूज़ करें। कोई भी दुकानदार आपको कोई भी सामान ख़रीदने के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। हमने ये भी पढ़ा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सामान ख़रीदते वक्त उसके पास ये राइट होता है कि उसको हर उस सामान के बारे में हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद राइट टू सीक रिड्रेशल, अगर किसी भी सप्लायर ने उसको एक्सप्लॉयट किया है या कोई सामान ऐसा बेचा है जो डैमेज्ड था या ख़राब था या इम्प्रॉपर था, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो उससे कंपनसेशन ले या कंपनसेट करें, उस सामान के पैसे वापस ले। और उसके बाद है राइट टू रिप्रेजेंटेशन, और अगर कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर कंज्यूमर और सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे में उसके पास एक ये भी अधिकार है कि वो अपनी परेशानी को लोकल कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सके। ऐसे केसेस में उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स की जो लिमिट होती है वो अगर उससे ज़्यादा की है तो फिर वो स्टेट लेवल, फिर उसके बाद नेशनल लेवल कोर्ट्स में भी जा सकता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड द इनैक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ना हमें ये बताना है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था उसके पीछे का कारण क्या था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ अ लेजिस्लेटिव मेजर्स इनैक्टेड इन 1986 टू एक्सटेंड द प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक संवैधानिक तरीका है जो 1986 में आया था कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस इस्तेमाल किए जाते थे सेलर्स के द्वारा। तो ऐसे में उस समय, पुराने समय में ऐसा कोई लीगल मेज़र नहीं था ताकि कंज्यूमर को बचाया जा सके। उसके बाद इट वॉज़ प्रिज्यूम डैट इट वॉज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बी केयरफुल वाइल बाइंग अ कम्योडिटी और सर्विस। पहले जब ये कोपरा नहीं आया था तब ये भी माना जाता था कि कोई भी सामान यदि कोई कंज्यूमर ख़रीद रहा है तो ये किसी और की नहीं बल्कि कंज्यूमर की ही केवल जिम्मेदारी है कि वो जो सामान ख़रीद रहा है वो उसको ख़रीदते वक्त केयरफुल रहे, क्योंकि ख़रीदने के बाद सामान वापस नहीं होगा। एंड थर्ड, रैम्पेंट फूड स्टोरेज होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग्स, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स, एडिबल ऑयल्स आर सम ऑफ द अनएथिकल एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द मार्केट प्लेसेस। और भी बहुत सारे जो गलत प्रैक्टिसेस थे, जैसे खाने का अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट करना या तेल में मिलावट करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, गलत एडवर्टाइजमेंट करना, और
आपदा के समय पर खाना का स्टोरेज करना ताकि मार्केट में खाने की कमी हो जाए और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। तो ऐसे में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें कंज्यूमर के पास ये राइट हो या कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया। दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि 24 दिसंबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया गया, पास किया गया, ताकि कंज्यूमर को ऐसी जो बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी उससे बचाया जा सके। तो जो पहले जो भी सिस्टम था जिसमें कंज्यूमर की गलती या कंज्यूमर की ही जिम्मेदारी मानी जाती थी, सेलर गलत करता था तो भी उसके अगेंस्ट कोई लीगल मेजर्स ले जाने का कोई तरीका ही नहीं था, और ऐसे सिस्टम में कोपरा को लागू किया गया ताकि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन या कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको अनफेयर प्रैक्टिसेस या एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर्स इन इंडिया। कहने का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन कौन से मेजरमेंट्स या मेजर्स लिए गए जो कंज्यूमर्स को पावरफुल कर रहे थे भारत में, जो कंज्यूमर्स की पावर को बढ़ा रहे थे। तो द लीगल मेजर्स आर द MRTP एक्ट इनेक्टेड इन 1984 टू चेक द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। एक MRTP एक्ट को लागू किया गया 1984 में जिसका काम ये था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर यदि सर्विस प्रोवाइड या कोई भी प्रोडक्ट बेचते वक्त या बनाते वक्त कोई भी अनफेयर तरीका इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर चेक किया जा सके या उसको रोका जा सके। सेकेंड इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसे कोपरा कहा जाता है, वो 1986 में लागू किया गया टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। फिर कोपरा को लागू किया गया कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, एंड कंज्यूमर कोर्ट्स हैज़ बिन सेट अप टू प्रोवाइड जस्टिस टू द कंज्यूमर्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली इन द मार्केट प्लेस। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट्स को सेटअप किया गया सो डैट जो कंज्यूमर्स हैं जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या जो जिनके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं मार्केट में, उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। सो ये जो 3-4 चीज़ें थी, इस ये गवर्नमेंट के वो मेज़र्स थे जो कंज्यूमर्स के लिए लिए गए। पहला मेज़र्स MRTP एक्ट था जो 1984 में आया और जिसका काम था कि मैन्युफैक्चरर पे लोक लगाना। मैन्युफैक्चरर अगर कोई गलत कर रहा है, असंवैधानिक काम कर रहा है या कंज्यूमर के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो गलत है या उसकी लाइफ या उसकी प्रॉपर्टी के लिए हैजर्डस है, तो ऐसे में उसको चेक करने के लिए या रोकने के लिए 1984 में MRTP एक्ट लागू किया गया। सेकेंड इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से रोकना था और उसके लिए 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया जिसके कारण कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, सॉरी कंज्यूमर एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा था, कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था मार्केट में उसको रोकने के लिए कोपरा 1986 में लागू किया गया। एंड एट लास्ट कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे, ताकि जो कंज्यूमर के साथ इनजस्टिस हुई है उसको जस्टिस दिया जा सके। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये भी आप ये कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन है कंज्यूमर राइट्स, दूसरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट के मेज़र्स जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, और तीसरा क्वेश्चन है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म या कॉमन फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सूची में है और इनमें से आप ये कह सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट डिस्कस द कॉमन फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर कोई भी 4 तरीके ऐसे बताओ जिससे मार्केट में कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है या एक्सप्लॉयट होता है कंज्यूमर। सो एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट हैपन्स इन वेरियस वे एज फर्स्ट अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे दुकानदार या
सर्विस प्रोवाइडर या फिर आप कह सकते हो सेलर होता है, वो आपको जब भी कोई प्रोडक्ट बेचता है, सो जब वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट को मेज़र करता है, तोलता है, तो ऐसे वक्त में वो ऐसे बहुत सारी गलत चीज़ों को फॉलो करता है, जिसके कारण से वो जितना आपको ख़रीदना है उतना आपको देता नहीं है, उससे कम दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हो कि वो अपने जो तराजू है या बैलेंस है, वेट बैलेंस है, उसके एक तरफ जहाँ पे सामान रखना होता है वहाँ पे वो नीचे पहले से ही थोड़ा सा वेट लगा के रखता है, ताकि जितना मेज़रमेंट का वेट हो उतना मेज़रमेंट का जो मटेरियल है वो उसे कम देना पड़ेगा। पर ऐसा में आप करते क्या हो कि आप पैसा पूरा का देते हो पर वो सामान आपको पूरा नहीं देता। या कई बार आप देखते हो कि कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते वक्त तो ये कहता है कि ये स्कीम आपके लिए 1 महीने की है, बट वो आपको केवल 28 दिन की ही सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो ये कह देता है कि वहाँ पे आपकी जो मार्केट है, मार्केट में 1 महीना 28 दिन का या 4 हफ्ते का होता है। तो ऐसे में भी आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि वो आपको अंडर मेज़रमेंट दे रहा है। आप 1 महीने की क्लेम पे कर रहे हो और वो आपको 1 महीने की जगह 28 दिन का ही पेमेंट कर रहा है, 28 दिन का ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो ये कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का पहला तरीका है, अंडर वेट और अंडर मेज़रमेंट। सेकंड इज़ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, विच मींस दैट सेलर आर प्रोवाइडिंग यू विथ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो आपको सामान बेच रहा है या कोई भी होम अप्लायंसेस बेच रहा है, वो उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की आपको चाहिए। इट माइट बी डिफेक्टिव, या हो सकता है कि जैसे आप कोई दवाई ख़रीद रहे हो वो दवाई एक्सपायर्ड हो, या कोई आप स्टोर्ड फूड ख़रीद रहे हो, कंटेंट फूड ख़रीद रहे हो, वो भी एक्सपायर्ड है या जो काफ़ी लंबे समय से है। सो ये जो चीज़ें हैं इसे हम कह सकते हैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। थर्ड इज़ हाई प्राइस। समटाइम्स खासकर आपदाओं के समय आपने देखा होगा, अभी जो कोरोना हुआ उसमें भी आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो से सेलर हाई प्राइस में बेच रहा था, और इसका कारण था कि उस चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी, और चूँकि आपदाओं के समय या जैसे हमने कोरोना में देखा कि प्रोवाइडर बंद थे, सेलर की दुकानें बंद थी, तो ऐसे में जिसके पास मौका था वो उन चीज़ों को, हाई डिमांड वाली चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में बेच रहा था। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन विच द सेलर हैज़ टू पे मोर देन द MRP। फोर्थ इज़ डुप्लिसिटी। समटाइम्स सेलर जो है वो किसी जेन्युइन गुड को या जेन्युइन गुड का नाम इस्तेमाल करते हुए फेक या डुप्लीकेट आइटम आपको बेचता है, और आपने ऐसे कई बार देखा होगा कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके फेक मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाते हैं। फिफ्थ इज़ एडल्टरेशन और इम्प्योरिटी। एडल्टरेशन का मतलब होता है कि कॉस्टली आइटम में सस्ते आइटम में मिलाकर उसके वेट बैलेंस करना और उसकी क्वालिटी को गिरा देना, जिसे हम हिंदी में मिलावट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये मिलावट बहुत सारी जगह पे देखी होगी कि ऑयल में मिलावट होती है। ऐसे में होता क्या है कि जो बहुत सारे ऐसे तेल हैं जो बहुत महंगे होते हैं, और ऐसे में सस्ते तेल को मिलाया जाता है उसमें, ताकि उसका वेट उतना ही रहे पर उसकी क्वालिटी कम हो जाए। और आप या फिर आपने ये भी देखा होगा कि आटे में मिलावट होती है, चावल में मिलावट होती है, मसालों में मिलावट होती है, दूध में पानी मिला दिया जाता है। सो इससे होता क्या है कि कॉस्ट कटिंग करते हैं यहाँ पे ये लोग और प्रॉफिट को अर्न करते हैं। इससे कंज्यूमर की हेल्थ में तो अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, और इसके पैसे वेस्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि आप पैसा पूरे सामान का देते हो पर आपको पूरा सामान नहीं मिल रहा होता है यहाँ पे भी। सिक्स्थ इज लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। नॉर्मली जो होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो लोकली बनाए जाते हैं, ऐसे सिस्टम में उनमें ऐसी बहुत सारी जो सेफ़ गार्ड होनी चाहिए वो होती नहीं है, जो सेफ्टी डिवाइसेस होने चाहिए वो होती नहीं है, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा है जब आप घर बनाते हो तो घर बनाते वक्त आपको ये बोला जाता है कि आप अर्थिंग लो या फिर आप MCBs लगाओ। ऐसे में अगर आप कोई भी MCB लोकल लेते हो तो उनमें जो वायर इस्तेमाल होती है वो उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की या जिस स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट ने अलाउ की है, तो ऐसे में कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन।
सेवन्थ इज आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाना। नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपदाओं के समय बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज आती है, और ये नॉर्मल बात है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सही से चल नहीं रहे होते और या फिर प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा होता। लेकिन कई बार जो सेलर है वो किसी प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर देता है, और वो क्या करता है कि मार्केट में उस सामान को अपने अपने पास स्टोर करके रख लेता है और वो बेचता ही नहीं है, जिससे उस मटेरियल की एक शॉर्टेज क्रिएट करता है ताकि उसे समय आने पर हाई रेट पर बेच सके। एट इज़ फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें सेलर अपने सामान को बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि उसके मटेरियल कम बिके। नाइन्थ इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद या प्रोडक्ट को बेचने के बाद सेलर या सर्विस प्रोवाइडर की ये जिम्मेदारी भी होती है कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छे से प्रोवाइड की जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। एंड द लास्ट इज़ रफ बिहेवियर, समटाइम द कंज्यूमर्स आर ऑफन हरेस्ट इन मैटर्स लाइक LPG एंड टेलीफोन कनेक्शंस एंड इन गेटिंग द लाइसेंस्ड आइटम। कई बार क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है जब वो LPG गैस लेने जाता है या टेलीफोन कनेक्शन के बारे में कोई प्रॉब्लम करता है, तो ऐसे में जो उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उनसे रफ बिहेव करते हैं, मतलब हैरेश करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पे कंज्यूमर जिसको किसी भी चीज़ की कम नॉलेज है या वो नॉलेज गेन करना चाहता है तो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर उसे आपको नॉलेज देने से मना करता है, और इनफैक्ट वो आपको हैरेश कर रहा होता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। सो यहाँ पे हमने 10 तरीके पढ़े, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। दैट इज़, हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अंडर वेट या अंडर मेजरमेंट, कम मटेरियल बेचना। दूसरा, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी की बेचना। तीसरा, हाई प्राइस, महंगे दामों में बेचना। चौथा, डुप्लिसिटी, किसी जेन्युइन गुड्स के नाम का इस्तेमाल करके डुप्लिकेट गुड्स बेचना। एडल्टरेशन एंड इम्प्योरिटी, मिलावटी वाला सामान बेचना। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, प्रोडक्ट में सेफ्टी डिवाइसेस की कमी होना। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना। फॉल्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में गलत या आधी जानकारी देना। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद या सेल करने के बाद मटेरियल के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना ये अनसेटिस्फैक्ट्री हो, या फिर रफ बिहेवियर, कंज्यूमर को हैरेश करना। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हो, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। सो जब जहाँ पे भी किसी भी कंज्यूमर को या आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे आप हैरेश हो रहे हो या आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सो आपके पास गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स रखे हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, आप उसका यूज़ करें और कंज्यूमर को, खुद को या दूसरे कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होने से बचाएं। तो ये हमने अपना तीसरा चैप्टर भी पढ़ा, जहाँ पे हम दूसरा चैप्टर भी पढ़ा जहाँ पे हम कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ रहे थे, कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे थे। सो यहाँ ये चैप्टर भी आपका एक 4 नंबर का यहाँ पे बनता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो अगला चैप्टर, हम 3 नंबर वाला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने 4 नंबर वाले चैप्टर्स लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। एक चैप्टर मैप का भी है 4 नंबर का, तो मैं आपको एक मैप प्रोवाइड करूँगा, आप कोशिश करेंगे उन मैप्स को पूरा प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 नंबर वाले चैप्टर्स। सो अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े उनमें यदि आपको कोई भी डाउट होता हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।